ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो के है पास्ट एडजस्टमेंट्स। इस चैप्टर के अंदर ये वाला टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करेगा गाइस। मान के चलो अगर इस चैप्टर के अंदर कुछ पूछने जैसा नया है तो जाहिर सी बात है बाकी सारे टॉपिक्स भी नए थे आपके लिए, बट कुछ एडवांस लेवल का अगर कुछ पूछने जैसा है तो वो है पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक, जो फाइनल एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट बैठना ही चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई रूप से 2 मार्क के क्वेश्चन में, 4 मार्क के क्वेश्चन में कैसे तो भी ये पूछना ही चाहिए। तो पास एडजस्टमेंट के टॉपिक को अब शुरू करने जा रहे हैं। है क्या ये पास एडजस्टमेंट का टॉपिक, थोड़ा समझते हैं और इसके पहले जो इलस्ट्रेशन 39 कवर किया था उसके बारे में देखते हैं। जस्ट इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड हुई है, वो आप देख लेना। जो इलस्ट्रेशन 39 हमने किया था उसके अंदर था क्या कि रेक्टिफाई किए गए थे कुछ एरर्स जो ड्यूरिंग द ईयर हो गए थे लेकिन ईयर एंड पे पता चल चुके थे। क्या इंपॉर्टेंट था उसके अंदर, ईयर एंड पे जब बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज हो रही थी, जब आप ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएनएल बना रहे थे, तब आपको पता चल चुका था कि कुछ तो एरर है इसलिए ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, या गलत अमाउंट से टैली हो रहा है, या प्रॉफिट्स गलत आ रहे हैं, कुछ तो आपको या तो ऑडिटर्स ने चेक किया होगा, आपको ये रेक्टिफिकेशन निकल करके आए होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने फाइनलाइजेशन के पहले ये रेक्टिफिकेशन को सुधार ली। मान लो कोई ऐसे एरर हो जाए कि जो फाइनलाइजेशन के समय भी आपके हाथ ना लगे और नेक्स्ट ईयर पता चले, जैसे कि डीड ने मेंशन किया था कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ओवरलुक हो गया क्लेरिकल एरर के हिसाब से, टाइम कम था, ऑडिटर्स के एंड से कुछ गलती हो गया, कुछ तो भी ऐसा हो सकता है कि जिससे मान लो कि फाइनलाइजेशन के वक्त भी वो एरर्स हमारे हाथ नहीं लगे और बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज हो गई। ठीक है, और हम लोगों ने रिटर्न्स भी फाइल कर दिया, सब हो गया, उसके बाद जाकर के नेक्स्ट ईयर पता चल रहा है अरे यार गए साल एक एरर हो गया था, अब पता चल रहा है, अब क्या करेंगे? क्या वो गए साल के एरर को रेक्टिफाई इस साल किया जाएगा? जैसे कि गए साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना भूल गए थे, तो क्या इस साल देंगे गए साल का इंटरेस्ट? नो, कैसे कर सकते हो आप, तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का वायोलेशन कर लोगे, क्योंकि जो खर्चा गए साल बुक होना चाहिए वो गए साल ही होना चाहिए, जो खर्चा इस साल बुक होना चाहिए इसी साल बुक होना चाहिए, इस साल गए साल का खर्चा कैसे बुक कर सकते हो? तो यहाँ पे कॉमन सेंस अपनाओ। देखो बेटा, अल्टीमेटली जो गए साल का खर्चा या गए साल की इनकम थी, अगर गए साल प्रॉपरली इफेक्ट देते तो उसका फाइनल इंपैक्ट क्या आता है? प्रॉफिट्स के बैलेंसेस पे आता है। वो प्रॉफिट का बैलेंसेस फाइनली कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो अगर कोई खर्चा बुक करना भूल गए थे या कोई इनकम आप मेंशन करना भूल गए थे तो जाहिर सी बात है आपके प्रॉफिट्स रॉन्ग आए होंगे, जैसे इलस्ट्रेशन 39 में किया था। और मान लो वो गलत वाले प्रॉफिट्स आपने पार्टनर्स को बांट दिए, तो उससे कहां गड़बड़ आ गई? उससे गड़बड़ आ गई पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक और बार अच्छे से देख लेना, ये जो मैंने रिपीट किया ये अच्छे से एक बार सुन लेना, वीडियो रिवाइंड करके एक और बार देख लेना, अच्छे से सुन लेना। तो इंपैक्ट कहां जा रहा है अल्टीमेटली? रॉन्ग प्रॉफिट्स का भी कैपिटल के बैलेंसेस पे, पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस पे। तो पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस भी रॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है, जो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो गए। तो क्यों ना एक फाइनल ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी जाए इस साल, कि जो इस साल के इनकम और इस साल के खर्चों पे भी इंपैक्ट ना डाले। बात को ध्यान से सुनना, जो इस साल के खर्चों पे और इस साल के इनकम पे इंपैक्ट ना डाले लेकिन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, यू मान लो कि इस तरीके से एक एंट्री पास कर दे जिससे बैलेंसेस जैसे पहले होने चाहिए थे वैसे ही हो जाए, यानी कि जो रेक्टिफाइड या करेक्ट बैलेंसेस आने चाहिए थे वो बैलेंसेस आ जाए। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छे से सुनना। देखो एक क्वेश्चन शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा हिंट मिलेगा करना क्या चाहते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छे से देखो, इलस्ट्रेशन 40 शुरू कर रहे हैं पास एडजस्टमेंट का। अब पास एडजस्टमेंट के अंदर ना कोई लेजर अकाउंट वगैरह नहीं बनने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर ना एक एडजस्टमेंट टेबल बनेगा, इस क्वेश्चन के अंदर एक एडजस्टमेंट टेबल बनेगा कि जिसके थ्रू हम लोग एक एडजस्टमेंट, एक सिंगल एंट्री ऐसी पास करेंगे जिससे सारा कुछ नलीफाई हो जाएगा। यू मान लिया जाएगा कि जो हम लोगों ने गलती गए साल की थी उस गलती को हमने रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है। वो करने के लिए हमें एक टेबल हेल्प करेगा, सिंपल सा टेबल है। क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में देखना है कितने पार्टनर्स है, क्या देखना है कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स है,
अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे इलस्ट्रेशन फोर, तो उसके अंदर चार पार्टनर्स है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर डी। तो ये चार कॉलम तो बनेंगे और साथ ही साथ एक फर्म का कॉलम बनाना है आपको। क्यों सर बताता हूं, ध्यान से देखो, क्वेश्चन शुरू करते हैं तो आपको हिंट मिलेगी। देखो हुआ क्या इस क्वेश्चन, ए बी सी एंड डी आर द इक्वल पार्टनर्स इन द फर्म। इक्वल पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। अभी खाली मैंने इधर लिखा है, देख लो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1:1, इक्वल पार्टनर। ठीक, देयर कैपिटल ऑन 1st April 2015 वर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में उन लोगों के कैपिटल कितने थे, 50,000, 30,000, 25,000 and 15,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016, यानी कि कौन से साल का रिफर कर रहे हैं लोग, 15-16 को रिफर कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द डीड इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड। अकॉर्डिंग टू द डीड इट वॉज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट। उसका मतलब कि डीड बोल रहा है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, लेकिन वो लोग प्रोवाइड करना ही भूल गए। ठीक है, आगे, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर रादर देन ऑल्टरिंग द बैलेंस शीट। वो लोग ये डिसीजन ले रहे हैं कि अब गए साल की बैलेंस शीट बन गई, जिसमें हम लोगों को ये एरर हो गया, अब वो पूरी बैलेंस शीट ही चेंज करने से अच्छा है इस साल नए ईयर में एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए, एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए कि जिससे गए साल का एरर इस साल रेक्टिफाई हो जाए और इस साल के प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट भी ना। जाहिर सी बात है सर, गए साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था वो फॉर्म के लिए लॉसेस थे, एक्सपेंसेस थे एक तरीके से, तो वो इस साल अगर पे करने जाओगे तो इस साल के प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे, जो कि गलत है। ठीक है, तो वो कहां पे बुक होना चाहिए, वो तो गए साल ही एक्सपेंसेस डेबिट होना चाहिए था। तो इस साल कुछ ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाए कि जिससे ये सारा मामला नलीफाई हो जाए। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे होगा। सिंपल है, ध्यान से सुना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो किसको कितना मिलता। सर जाहिर सी बात है, उनके ओपनिंग कैपिटल लो, उसके ऊपर 10% का रेट लगाओ। देखो ओपनिंग कैपिटल क्या था, ए का 50,000। तो देखो ये टेबल में करना क्या, ठीक है, ये टेबल ही हेल्प करेगा आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, ए को कितना देना चाहिए, 50,000 कैपिटल था, उसके ऊपर 10% कितना आ जाएगा बेटा, 5,000। तो 5,000 ए को पेबल आएगा। ये मान लो कि ए बी सी डी के लेजर अकाउंट है और ये मान लो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। ए को क्या करना है, यहाँ पेबल आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपन क्रेडिट करेंगे, या करंट अकाउंट होता तो करंट अकाउंट में क्रेडिट करते, आईओसी जो पेएबल बताते उनको। ठीक, तो 5,000 क्रेडिट करेंगे, लेजर तो बना नहीं सकते अगले साल। ठीक, तो एक ऐसा टेबल बना करके एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। ठीक, तो देखो हम लोग ए को क्रेडिट करेंगे 5,000, बी को पेएबल बताएंगे 3,000, कैसे सर, 30,000 पे 10%, सी को 25,000 के कैपिटल पे 10% और डी को 15,000 के कैपिटल पे 10%, दैट इज 1,500। ठीक है, आपने ये मान लो अगर दिए होते तो इनको क्रेडिट करना पड़ता है, 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 ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 12,000, जो फॉर्म के लिए क्या है, एक तरीके से लॉस, तो फॉर्म के लिए वो क्या हो जाएगा, डेबिट। इन सबको क्रेडिट तो इनको डेबिट। ठीक है, अब मान लो कि गए साल ये 12,000 है क्या दोस्तों, ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अगर गए साल चार्ज होता, ध्यान से सुनना अब लॉजिक, गए साल अगर ये 12,000 चार्ज होता, डेबिट होता, तो गए साल प्रॉफिट्स पार्टनर में कम बटते, 12,000 से कम डिस्ट्रीब्यूट होते, तो गए साल ये 12,000 डेबिट हुआ नहीं, तो गए साल जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी कि पार्टनर्स को ज्यादा हमने क्रेडिट कर दिया था। ठीक है, तो अब ये जो 12,000 से प्रॉफिट ज्यादा क्रेडिट हुआ था उसी को हम डेबिट करने निकलेंगे, किसको, पार्टनर्स को। देखो डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक, अब लॉजिक देखो क्या हुआ, ये पार्टनर ये फर्म के लिए लॉस हो गया, लॉस अल्टीमेटली कौन बोन करेगा, पार्टनर्स बोन करेंगे, क्या रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो क्या करेंगे, 12,000 का जो लॉस हुआ बुक्स में, ये कैंसिल करने के लिए क्रेडिट हो गया फॉर्म के अंदर, यहाँ पे डेबिट हो गया, 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 इक्वली। तो 12,000 / 4, इसको 3,000 डेबिट। अब अच्छे से सुनो, फिर से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल, फॉर्म के लिए लॉस, लॉस अल्टीमेटली बोन कौन करेगा, पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को क्या कर देंगे आप लोग, डेबिट। ठीक, अब ध्यान से सुनना, मैं लॉजिक क्या बता रहा हूं। यहां पे देखो
ए को हम पेएबल बता रहे हैं इस एडजस्टमेंट इंट्री के थ्रू कि हम तुझे पेएबल बता रहे हैं 5,000 और हम तुझसे रिसीवेबल बता रहे हैं लॉस का 3,000। लॉस अल्टीमेटली बोन कौन करता है, यानी फॉर्म को लॉस मतलब क्या कि फॉर्म को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करने आ गए। किसके वजह से? भाई बिजनेस अच्छे से चला नहीं तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई, हमारे लॉसेस हो गए, तो लॉसेस अल्टीमेटली बोन कौन करेंगे? ओनर। कौन देगा फॉर्म को पैसा? ओनर। ठीक है, तो फॉर्म को पेएबल आ रहा है 5,000 और फॉर्म को रिसीवेबल आ रहा है 3,000। मतलब कोई भी एक पार्टी है जिसको मैं बोलता हूँ भाई मुझे तुझे 5,000 देना है और मुझे तुझसे 3,000 लेने हैं, तो सामने वाला बोलेगा अरे भाई काम करना 2,000 ही दे देना। तो हम लोग यहाँ पे वही करें, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ए को खाली 2,000 पेएबल बताएंगे। सिंपल है, ध्यान से सुन लो कि 5,000 पेएबल है, 3,000 रिसीवेबल है, तो नेट पेएबल आएगा। जो भी अमाउंट की साइन ज्यादा है ना उसकी साइन लगा लो, शॉर्टकट समझा लो, जो भी अमाउंट की साइन ज्यादा है ना, मतलब जो भी अमाउंट ज्यादा है ना उसकी साइन आप नीचे पुटअप कर दो और दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इतना इजी है। यहाँ पे देखो मुझे बी को 3,000 पेएबल भी है तो 3,000 रिसीवेबल भी है, तो ना उसको कुछ डेबिट करूंगा ना उसको कुछ क्रेडिट करूंगा, करने की जरूरत ही नहीं, और यहाँ पे खाली एक क्रेडिट कर दूंगा ए को 2,000, ए को नेट 2,000 पेएबल बता दूंगा। बी में देखो बी को पेएबल आ रहा है इंटरेस्ट के नाम से 2,500 और उसको लॉसेस चार्ज करने हमें 3,000, तो भाई साहब बी सी तुझे तो मुझे नेट देना पड़ेगा, यू विल गिव टू मी योर, मतलब मुझे सी से रिसीवेबल है, कितना रुपया रिसीवेबल है गाइस, 500 रिसीवेबल है, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा 500 डेबिट कर दूंगा। ठीक, आगे डी और सी, सॉरी डी के अंदर 1,500 क्रेडिट है, पेएबल है, और 3,000 डेबिट है, दोनों में से साइन कौन सी ज्यादा है, कौन सा अमाउंट की साइन ज्यादा है, ये 3,000 ज्यादा है अमाउंट वाइज, उसकी साइन क्या है, डेबिट, तो वो साइन हमने नीचे पुट कर दी, दोनों का डिफरेंस लिख दिया। ठीक, तो ये टेबल हमें क्या बताएगा, इतना सब करने से अच्छा एक काम करो, सी को आप 500 से डेबिट करो, डी को 1,500 से डेबिट करो और ए को आप 2,000 से क्रेडिट कर दो, तो यू मान लिया जाएगा कि जो गए साल एरर हुआ है उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया। पार्टनर्स के बैलेंसेस अगर इतने से क्रेडिट और इतने से डेबिट कर लोगे तो पार्टनर्स के सही बैलेंसेस आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंपैक्ट दे दिया, यू मान लिया जाएगा। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी सर, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी डेबिट, डी डेबिट और ए क्रेडिट, ठीक है, कितने से 2,000 से, तो ये एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ये कब पास करने वाले हैं सर, हम लोग नेक्स्ट ईयर पास करने वाले हैं, ठीक है। इसी लाइन पे एग्जैक्टली इलस्ट्रेशन नंबर 41 है, सेम है, एग्जैक्ट सेम है, खाली अमाउंट अलग है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब मैं जा रहा हूं गाइस इलस्ट्रेशन 42, दोबारा यहां पे सेम है, खाली यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ठीक। इसमें क्या होगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो आओ मेरे साथ। इलस्ट्रेशन 42 दोबारा कहता हूं, इलस्ट्रेशन 41 आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो आप लोग कंप्लीट करेंगे, सेम है, अमाउंट अलग है, दैट्स इट। देखो इलस्ट्रेशन 42, एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट्स हो गए, बैलेंस शीट वगैरह बन गई, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैड नॉट बीन टेकन इन टू कंसिडरेशन। जो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का इम्पैक्ट देना था वो हम देना भूल गए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सर पार्टनर्स से रिसीवेबल, यानी पार्टनर्स को डेबिट किया जाता है, हाँ सर याद आ रहा है, और फॉर्म के लिए तो इनकम, फॉर्म को क्रेडिट करना मांगता है, सही बात है सर, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट जो पार्टनर ने ड्रॉ किया, विथड्रॉल किए आउट ऑफ प्रॉफिट, उसके ऊपर फॉर्म उनसे इंटरेस्ट लेगी, डिमांड करेगी, तो फॉर्म के लिए इनकम और पार्टनर्स के लिए एक तरीके से डेबिट, यानी कि एक्सपेंसेस, जो हम उनसे रिसीवेबल बताएंगे, तो अगर रिसीवेबल बताना है तो हम पार्टनर्स को क्या करते हैं दोस्तों, डेबिट करेंगे, ठीक है। आगे क्या बोला, द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स अमाउंटेड टू 2,550 रुपीज 1,850 एंड जेड का ₹1,000, गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। के क्वेश्चन में भी यही हुआ दोस्तों कि हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो पार्टनर से लेना था वो हमने बताया नहीं, रिसीवेबल बताया नहीं, फॉर्म के बुक्स में इनकम बुक की नहीं, तो हमने इनकम बढ़ाई नहीं, तो हम लोगों ने प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर को गए साल वो गलत कर दिया, यानी कि कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब और थोड़ा इनकम डिमांड करेगी फॉर्म, फॉर्म के लिए क्या आ जाएगा, इनकम,
और इन लोगों से हम क्या बताएंगे, रिसीवेबल्स। तो अमाउंट क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का दोस्तों, 2550। वाई का कितना था, 1850 जो क्वेश्चन में है। और जेड का कितना था, जेड से रिसीवेबल कितना बताएंगे दोस्तों, 1000 डेबिट। तो इन तीनों से डेबिट यानी रिसीवेबल, फर्म के लिए इनकम, अल्टीमेटली इनकम किसको मिलने वाले है दोस्तों, पार्टनर्स को ही मिलने वाले। कौन से रेशियो में मिलने वाले दोस्तों, 3:2:1 में। तो ये जो 5400 का क्रेडिट बैलेंस था, ये क्या हो जाएगा, डेबिट कर देंगे फॉर्म में। फॉर्म का तो हमेशा नलीफाई करना है आपको, ठीक है। फॉर्म में कोई बैलेंस नहीं रहेगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कोई बैलेंस छोड़ते हो क्या आप बेटा? नहीं, जो भी बैलेंस आते हैं वो बांट देते हो पार्टनर्स को, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये वही है कि भाई प्रॉफिट था फॉर्म के पास वो फॉर्म ने बांट दिया, ठीक। प्रॉफिट यानी पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में था, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कहां लिख दोगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में। इसीलिए 5400 क्या कर दिया हम लोगों ने, डेबिट कर दिया। इनको कौन से रेशियो में मिल जाएगा दोस्तों, 3:2:1। 3+2+1 कितना होता है दोस्तों, 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5400 डिवाइडेड बाय 6 आ जाता है 900। तो इसको मिलेगा 5400 डिवाइड बाय 6 900 मल्टीप्लाइड बाय 2 1800 मल्टीप्लाइड बाय 3 27, ठीक है। तो इसको हम क्रेडिट करेंगे 2700, क्रेडिट करेंगे 1800, क्रेडिट करेंगे 900। फिर यहाँ पे वही जो इधर किया था वैसे नेट इंपैक्ट देना है। देख, रिसीवेबल बताऊंगा 2550, पेएबल बताऊंगा 2700। तो एक काम करता हूँ, नेट पेएबल बताता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे उसको पेएबल है 2700 और उससे रिसीवेबल है 2550। तो मैं क्या करूंगा, नेट पेएबल बता दूंगा। कितना पेएबल बता दूंगा दोस्तों, 150। या तो शॉर्टकट में फिर वही याद रखो कि जो अमाउंट ज्यादा है उसकी आप साइन बुक करो, ठीक है। तो साइन मैंने किसकी बुक कर दी, 2700 की, और दोनों का डिफरेंस लिख दिया। वैसे ही यहाँ पे साइन किसकी बुक हो जाएगी दोस्तों, यहाँ देखो डेबिट ज्यादा है, ठीक है, तो डेबिट की साइन आ गई, दोनों का डिफरेंस लिख दिया। यहाँ पे देखो साइन किसकी ज्यादा, अमाउंट कौन से साइन का ज्यादा है, डेबिट का ज्यादा है, तो हम लोगों ने किसकी साइन लिख दी, डेबिट लिख दी, दोनों का डिफरेंस लिख दिया। तो जर्नल एंट्री क्या बनानी है आपको, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स इज कैपिटल अकाउंट, ये वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50, जेड इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 150, ठीक है। इस तरीके से आपका इलस्ट्रेशन 42 कवर होता है दोस्तों। इलस्ट्रेशन 43 दोबारा एग्जैक्टली सेम आईओडी का है, अमाउंट अलग है, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो यू आर गोइंग टू डू इलस्ट्रेशन नंबर 43 एज एन होमवर्क।